जिला बिलासपुर में 1 अप्रैल से स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर कोरोना वायरस के संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करेगी। डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जिला में 7 अप्रैल तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर ऐसे लोगों का पता लगाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में कोरोना का कोई भी मामला पॉजिटिव नहीं आया है। उन्होंने बताया कि जिला में 139 लोग विदेशों से आए हैं तथा इन सभी को होम क्वारंटाइन रखा गया है, जिनमें 27 लोग 28 दिन का क्वारंटाइन का समय पूरा कर चुके हैं जबकि 112 अभी भी होम क्वारंटाइन पे हैं। उन्होंने बताया कि जिला में राहगीरों को क्वारंटाइन करने के लिए 11 जगह आश्रय स्थल बनाए गए हैं तथा इन आश्रय स्थलों पर 440 लोगों को 114 दिनों के लिए क्वारंटाइन पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि इन लोगों के लिए जिला रेडक्रॉस सोसाइटी व अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है तथा इन्हें चिकित्सा परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। जैसे कर्फ्यू में सुबह 9 से 12 बजे तक ढील दी गई थी, कुछ दिनों से जो यही समय चल रहा है, तो इसमें लोगों ने जो है अपनी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं खरीदी। और थोड़ा मैं अपील करना चाहूंगा कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें। अभी तक हमारे जिला में 139 जो हैं फॉरेन रिटर्नीज जो हैं वो आए हैं, और जिनमें 27 जो ये 139 में से ये अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके कर चुके हैं। इसके अलावा 112 हमारे जो हैं अभी होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं, जो नवीनतम आंकड़े आज हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से प्राप्त हुए हैं। 4 हमारे सैंपल गए थे, चारों नेगेटिव हैं, तो कोई भी सैंपल हमारा किसी भी प्रयोगशाला में पेंडिंग नहीं है और कोई भी इस जिला का पॉजिटिव केस नहीं है। तो हमारा ये हम पूरा जो है इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो बॉर्डर पे जब क्रॉस कर रहे थे, जब कर्फ्यू लगा था, तो जब रोका गया था, तो हमारे अभी तक 439 जो हैं हमारे विभिन्न जो हमने स्थानों पर जो सेंटर स्थापित किए हैं 14 दिन के लिए उनको जो रखा जा रहा है, तो अभी तक 439 हमारे पास इस तरह के व्यक्ति जो हैं इन सेंटर्स में रखे गए हैं।